हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको इससे पीछे परिभाषा, उद्देश्य और अंग, कला के अंग, कला की परिभाषा और कला के उद्देश्य ये पढ़ाया जा चुका है। अब आप लिखाया भी जा चुका है। आज हम जो है ये किताब से जो वीडियो आपको दे रहे हैं, किताब का खींच करके जो वीडियो हम दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप कलर को पहचान सके। तो आज हम रंग योजना के विषय में आपको लिखा रहे हैं, आपको इसको लिखना है जो वीडियो हम भेज रहे हैं। तो रंग योजना कक्षा 7 की विद्यार्थी, तो जिस प्रकार काव्य रचना का आधार शब्द होते हैं, उसी प्रकार चित्रण को पूरा करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह वह है रंगों का प्रभावी प्रयोग। रंगों के सुंदर प्रयोग के लिए प्रत्येक छात्र को रंगों की संगति और प्रकृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो रंगों की उत्पत्ति सूर्य के प्रकाश से हुई है। रंगों की उत्पत्ति और उनके स्वभाव के आधार पर रंगों के भेदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर ये रंग योजना हेडिंग डालकर लिख लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर रंगों का भेद। उत्पत्ति के आधार पर रंगों का भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर रंगों के भेद के विषय में अगर हम देखें, साथ साथ में कलर को भी पहचानते जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर रंगों के 2 भेद माने जाते हैं। क है प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग। इन रंगों में कोई अन्य रंग नहीं मिला होता है, अर्थात प्रकृति ने जिन जिन रंगों का मूलाधार बनाया है, उन रंगों को प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग कहा जाता है। तो प्रारंभिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने है, लाल, पीला और नीला। उसके बाद दूसरा जो है वो ख, द्वितीयक रंग। कौन रंग है? द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग अथवा गौड़ रंग, इन रंगों का निर्माण प्रारंभिक रंगों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक अथवा गौड़ रंग कहा जाता है। यद्यपि द्वितीयक रंगों की संख्या अनंत होती है, फिर भी इन 3 रंगों को मुख्य गौड़ रंग माना जाता है, हरा, बैंगनी और नारंगी। हरा, बैंगनी और नारंगी। उपर्युक्त 3 प्रारंभिक और 3 द्वितीयक रंग के समूहों को आदर्श रंग माना जाता है, आदर्श रंग माना जाता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। तो इस इधर जो है आप द्वितीयक रंग में कलर को पहचान लें, बैंगनी, हरा और नारंगी, बैंगनी, हरा और नारंगी इधर दिया गया है। और प्राथमिक रंग में ऊपर दिया गया है, आपको देख लीजिए, लाल, नीला और पीला। तो अब जो है आप आगे लिखें, आस्टवाल्ड के रंग के हिसाब से प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक आस्टवाल्ड ने प्रकाश के रंग विभाजन के आधार पर चित्रकला से संबंधित 8 आदर्श रंगों की परिकल्पना प्रस्तुत की। इन्हें ही आस्टवाल्ड रंग कहा गया है। आस्टवाल्ड के ये 8 रंग हैं, नीला, आसमानी गहरा हरा, धानी पत्ती का हल्का, और फिर जो है हल्का रंग, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। तो ये 8 रंग जो है आप देख रहे हैं, जो ये चक्र में है दिखाया गया है, ये 8 रंग मुख्य रूप से हैं जो आस्टवाल्ड वैज्ञानिक, प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे, उनके हिसाब से। तो इसको आप पहचान लीजिए, चक्र में भी देख लीजिए, इसके बाद प्राथमिक अथवा मौलिक रंग को देख लीजिए, द्वितीयक अथवा गौड़ रंग को देख लीजिए। इस तरह से आप जो है इसको लिख लेंगे। अब रही बात रंगों की संगत के विषय में, अगर हम देखें तो रंगों की संगत के विषय में अगर हम देखते हैं, तो रंगों की संगति किसी चित्र या आलेखन से रंगों को इस प्रकार भरना, चित्र की चित्र का आलेखन आकर्षक एवं मोहक लगने लगे। रंगों की संगत कहलाता है। मोहक और प्रभावी रंग के प्रयोग के लिए रंगों की अनेक रंग संगति है, जो अग्रलिखित है। तो इसमें तमाम
रंग हैं, जैसे आपका है, देख लें इसको, लिख लेंगे, अनुकूल रंग संगत, दूसरा मंदभूत रंग संगत, उन्नत रंग की संगत, इसको न भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, देख लीजिए, एकाकी रंग संगत और मध्यवर्ती रंग संगत, ये इसको आप देख लेंगे। बस आज इतना ही।